एग्जाम्पल नंबर 30th, अंडर विच मेजर हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स विल द फॉलोइंग आइटम्स बी प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज पर शेड्यूल थर्ड पार्ट वन. आई यूज टू राइट ओनली शेड्यूल, साथ में पार्ट भी है, पार्ट वन. तो दिस ऑल्सो यू हैव टू लर्न. ये पूछ सकता है कौन से शेड्यूल के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट बनती है और कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग बनती है, कंपनीज एक्ट 2013. पहली आइटम कैपिटल एडवांसेस, व्हाट इट मींस, ये कहां पे था कैपिटल एडवांसेस, एडवांस एंड लोन मींस ये हम लोगों ने जो दिए हैं लोन, बिल्कुल ठीक है. नॉन करंट एसेट में लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, डन. आगे चलो, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, हर तरह की इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या है, करंट लायबिलिटी में अदर करंट लायबिलिटी, लाइक कॉल्स इन एडवांस, सिखाया हुआ है कॉल्स इन एडवांस, बोलो. करंट लायबिलिटी में अदर करंट लायबिलिटी, मेन हेडिंग इज करंट लायबिलिटी. वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस. नॉन करंट एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में टेंजिबल एसेट, ठीक है. आपको याद है ना ये प्रॉपर्टी इक्विपमेंट प्लांट वाला, और उसके बाद इनटेंजिबल एसेट भी है बीच में, ठीक है, जिसमें गुडविल पेटेंट्स आते हैं. मोटर व्हीकल्स सेम, नॉन करंट एसेट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, देन स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स, बोलो ये तो करवाया. इन्वेंट्री में, हाँ करंट एसेट में इन्वेंट्री, डन. 9% डिबेंचर्स, खुद कुछ नहीं कहता तो इट इज ऑलवेज लॉन्ग टर्म बोरोइंग, नॉन करंट लाइबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग. अगर ब्रैकेट में लिख देता रिडीमेबल विद इन अ पीरियड ऑफ वन ईयर तो क्या होता, करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग, डन. आगे चलो, ट्रेड पेबल्स, यस ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स करंट लाइबिलिटी, अपने आप में करंट लाइबिलिटी और ट्रेड पेबल अपने आप में सब हेड है. ट्रेड अगर बीपी पूछता तो मैं बीपी को बोलती सब हेड कौन सा है, ट्रेड पेबल, अदरवाइज ट्रेड पेबल अपने आप में सब हेड है, दैट्स व्हाई ही लेफ्ट इट ब्लैंक. अदरवाइज यू नीड नॉट टू सिट टुगेदर, इफ यू आर सिटिंग यू हैव टू लिसन टू मी. प्रोविजन फॉर टैक्स, करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म प्रोविजन, देखो यही है, यस. बैंक ओवरड्राफ्ट, करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरविंग्स. आगे चलो, अनक्लेम्ड डिविडेंड, करंट लाइबिलिटी में अदर करंट लाइबिलिटी, कॉल्स इन एडवांस की तरह. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, बोलो, नॉन करंट एसेट में टेंजिबल के इनटेंजिबल, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में इनटेंजिबल. आउटस्टैंडिंग सैलरी, करंट लाइबिलिटी में अदर करंट लाइबिलिटी, सो लाइक दैट वे यू हैव टू लर्न. आ जाओ जी आगे, लास्ट पेजेस पे आओ. Notes to accounts, page number 1.51. When we started this chapter, I discussed with you that how many financial statements are concerned per pairs? 4. Name them. Name them. Balance sheet, statement of P&L, notes to accounts, and cash flow statement. These are the 4 financial statements. So, पहली दोनों कर ली हैं detail में. अगली दोनों की कुछ detail नहीं है. अगर मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करूं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट मेरा एक सेपरेट चैप्टर है. नोट्स टू अकाउंट्स, हाउ विल यू डिफाइन नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स को कैसे डिफाइन करोगे, बोलो. दीज आर टू बी प्रिपेयर टू प्रेजेंट द एडिशनल इंफॉर्मेशन ईदर ऑफ बैलेंस शीट और ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल. स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के बाद भी नोट्स टू अकाउंट्स बनते हैं और बैलेंस शीट के बाद भी बनते हैं. किसी भी आइटम का डिटेल्ड वर्जन अगर बताना है तो नोट्स टू अकाउंट्स है. इज नोट्स टू अकाउंट्स अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यस. इज कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यस. ठीक है, सो दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड. कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में भी आपको बताया हुआ है, इट इज अ स्टेटमेंट विच इज टू बी प्रिपेयर्ड टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, और आमतौर पर एक साल का बनता है. पूरे उस साल में आपका कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो क्या हुआ, इन ऑर्डर टू डिटरमिन दैट वी प्रिपेयर व्हाट कैश फ्लो स्टेटमेंट. एनी डाउट, सो नाउ टर्न द पेज. ऑब्जेक्टिव्स, मीनिंग एंड डेफिनेशन कर लिया, टाइप्स कर लिया, नाउ वी हैव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एक क्वेश्चन उसने डाला हुआ है बोर्ड में, Identify which of the following is not the objective of financial statement. आपने सारे पढ़े होंगे तभी आप incorrect को ढूंढोगे ना. So you tell first of all, why do we analyze the financial statements?
in order to judge profitability, in order to judge the financial position, in order to have the comparability, in order to forecast for the future policies, etc., etc. इसके अलावा कुछ और है? जब तक आप बैलेंस शीट को स्टडी नहीं करोगे, आपको अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज की नॉलेज नहीं होगी। जब तक आप स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल को स्टडी नहीं करोगे, आपको पता नहीं चलेगा आप क्या अर्न कर रहे हो, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, आप आने वाले टाइम की पॉलिसीज नहीं बना पाओगे, आप अपना परफॉर्मेंस पिछले साल से कंपेयर नहीं कर पाओगे। सो इंटर फर्म कंपैरिजन के लिए भी, इंट्रा फर्म कंपैरिजन के लिए भी वी नीड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेट्स रीड 8 points ही एज रिटन। फर्स्ट, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल डाटा ऑन इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ एन एंटरप्राइज। व्हाट इट मींस, क्या लाइन का मतलब है? फाइनेंशियल डाटा प्रोवाइड करना काहे के लिए और किस चीज का, हमारे पास क्या क्या है? इकोनॉमिक रिसोर्सेज मींस व्हाट वी हैव, दैट इज इन टर्म्स ऑफ एसेट्स। एंड सेकंड क्या है? ऑब्लिगेशंस मींस इन टर्म्स ऑफ लायबिलिटीज। दो नए टर्म्स हैं आपके लिए, इकोनॉमिक रिसोर्सेज मींस व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश एटसेट्रा, और जो मॉनेटरी टर्म्स में है इकोनॉमिक रिसोर्सेज उसे बोलते हैं। और एक बिजनेस के इकोनॉमिक रिसोर्सेज कौन से होते हैं भाई? एसेट्स। एंड व्हाट आर योर ऑब्लिगेशंस टू आउटसाइडर्स, दैट इज व्हाट लायबिलिटी। So if you want to collect the data, you need to study financial statement. You need to analyze financial statement. Agla bhi clear hai na? To show the implication of operating profit on financial position of an enterprise. Simple bhi likh sakta tha ye. To judge the financial position of the concern. Pehle point ka. Aur second point ka likh sakta tha, to compute the profitability position of the concern. Matlab ek hi hai. स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बना के आप अपनी कंसर्न की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में जज करते हैं। थर्ड, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, चौथी स्टेटमेंट क्या है? कैश फ्लो। तो हर एक के बारे में लिख रहा है ना। पहली लाइन किसके बारे में लिखी? बैलेंस शीट के बारे में। दूसरी लाइन किसके बारे में लिखी? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के बारे में। तीसरी लाइन किसके बारे में लिख रहा है? कैश फ्लो के बारे में। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें क्या बताती है? इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश, फ्रॉम वेयर यू आर गेटिंग द कैश एंड हाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई द कैश, दैट इज आउटफ्लो ऑफ द कैश। So this statement tells us about this. Then, to provide sufficient and reliable information to various parties interested in the financial statement. What it means? ये भी करवाया हुआ है। If you are not collecting the data, if you are not presenting the data, how can interested parties come to know about our position, about our financial weakness, about our financial strength? पढ़ा हुआ है ना interested parties? कहीं ना कहीं बताया ना, who are the interested parties? ये भी बताया था, ये external है, ये internal है। ठीक है, सो दे आर ऑलवेज इंटरेस्टेड टू जज द फाइनेंशियल पोजीशन, दे आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन आर प्रॉफिटेबिलिटी। सो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू देम, वी एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यस, टू प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द बिजनेस, अपने बिजनेस की रियल पिक्चर को जानने के लिए भी हम फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं। मैनेजमेंट की इफेक्टिवनेस जानने के लिए, क्या मैनेजमेंट की पॉलिसी सही बनी है, क्या मैनेजमेंट टाइम के ऊपर अपना टारगेट अचीव कर रही है, क्या मैनेजमेंट एफिशिएंट है, उसकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को भी जानने के लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करते हैं। मींस मैनेजमेंट ने खुद सब कुछ किया, इवन देन मैनेजमेंट इज एनालाइजिंग। मैनेजमेंट ये देखती है जो मैंने सोचा था क्या वो अचीव हो गया। और जब तक आप एनालिसिस नहीं करोगे, हाउ कैन यू से वेदर आई एम नियर टू माई ऑब्जेक्टिव्स और आई हैव अचीव्ड माई ऑब्जेक्टिव्स और आई एम फार अवे फ्रॉम माई ऑब्जेक्टिव्स। सो इन ऑर्डर टू जज योर रियल पोजीशन or effectiveness of its own policies, management do analyze the financial statements. Again, to provide information about the activities of the business affecting the society. Is line ko kaise example se karoge? Explain. Padho zara line. To provide information about the activities of the business affecting the society. What it means? मैं अगर इसको सिंप्लीफाई करूँ ना, तो मैं इसको ये बोल सकती हूँ, ये जानने की कोशिश करना कि हमारी बिजनेस एक्टिविटीज का सोसाइटी पे क्या असर पड़ रहा है। हियर बाय आई कैन इवन इंक्लूड माय सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज वेल। हाउ एंड टू व्हाट एक्सटेंट आई एम मेकिंग द पॉलिसीज फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, ये भी जानने की कोशिश करना कि सोसाइटी के ऊपर हमारी बिजनेस एक्टिविटीज का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, मतलब सोसाइटी में आपकी रेपुटेशन कैसी है, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। आप इसका एनालाइज करोगे, और बिजनेस स्टडीज हमें सिखाता है वी शुड हैव अ सेपरेट डिपार्टमेंट विच वी कॉल पब्लिक रिलेशन, सो दैट यू कैन हैव एन आइडिया अबाउट द इमेज अमंग द पब्लिक ऑफ योर ओन कंसर्न। सो दैट्स व्हाई आल्सो वी एनालाइज आवर डाटा, वी एनालाइज आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। To disclose accounting policies followed in accounting process for the better understanding of the financial statement. जो भी बंदे हमारी financial statement को पढ़ने वाले हैं या देखने वाले हैं,
उनको ये बताना कि हमने अकाउंटिंग पॉलिसीज कौन सी फॉलो करी, लाइक डेप्रिसिएशन का मेथड मैंने कौन सा फॉलो करा, स्टॉक वैल्यूएशन का मैंने लीफो मेथड फॉलो करा कि फीफो मेथड फॉलो करा, सो दैट ट्रांसपेरेंसी कैन बी देयर. एंड मेरा अकाउंटिंग प्रिंसिपल फुल डिस्क्लोजर भी तो यही बताता है, एवरीथिंग इज टू बी डिस्क्लोज्ड, नथिंग इज टू बी हिडन, नथिंग इज टू बी केप्ट सीक्रेट. So in order to familiarize the external parties, I make such type of analysis so that they can have a clear cut idea about the accounting policies followed by us. Jo bhi accounting policies procedures hum logon ne follow kare hain, they can have an idea about it. Okay. Direct agla topic bhi nahi hai syllabus mein. ठीक है, उसने मीनिंग डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव से लिखा है, बट इवन देन बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ आर बुक, इट इज अ पार्ट ऑफ आर चैप्टर, तो व्हाई टू लीव टू और थ्री पेजेस. Essentials of a financial statement. ये भी हम लोगों ने कहीं ना कहीं प्लस वन क्लास में किया होता है, where we did characteristics of a good accounting information. एक अच्छी accounting information के क्या क्या feature होने चाहिए, आप बताओ. पहला point आपको समझ लगता है? It should be based upon factual information, facts. आपकी imagination की कोई जगह नहीं है, और accounts में किसी भी चीज को facts के basis पे show करना है तो it should be accompanied with vouchers and source documents, isn't it? Vouchers actually you prepare on your own. हर जो आपकी ट्रांजेक्शन है वो सोर्स डॉक्यूमेंट के साथ अटैच होगी. अगर आप एंट्री कर रहे हैं मैंने 5 करोड़ की मशीन खरीदी है, दैट इज आउटफ्लो ऑफ कैश, साथ में बिल दिखाओ ना, दैट इज फैक्ट. एक्चुअली 5 लाख की खरीदी है, 2 जीरो ज्यादा डाल के आप 5 करोड़ की मशीन दिखा रहे हो, यू आर रॉन्ग हियर. सीए कभी भी क्वेश्चन मार्क लगा सकता है, गवर्नमेंट की रेट पड़ सकती है. वाई टू इन्फ्लेट द एक्सपेंसेस इन ऑर्डर टू स्टील टैक्स. 5 लाख की मशीन खरीदी और 5 करोड़ की दिखाओ, दैट इज अ क्लियर कट क्राइम. यू आर गेटिंग मी? सो पहला फीचर क्या है मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का? इट शुड बी बेस्ड अपॉन फैक्ट्स एंड फिगर्स. योर इमेजिनेशन डजंट हैव एनी स्पेस इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फर्स्ट पॉइंट इज डन, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन. अंडरस्टैंडेबिलिटी, क्या ये इंफॉर्मेशन सिर्फ मैं अपने लिए गैदर कर रही हूँ, क्या ये इंफॉर्मेशन मैं अपने लिए बना रही हूँ? अपने लिए भी बना रही हूँ क्योंकि मैनेजमेंट डू स्टडी इट, बट बेसिकली माई एक्सटर्नल पार्टीज आर इंटरेस्टेड इन इट, सो उनकी भाषा में बात करनी है. देयर शुड नॉट बी एनी एम्बिग्युटी और वेगनेस इन योर कंटेंट, द अदर पार्टी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इट. एम आई राइट? ठीक है, अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए, कुछ भी वेग नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपके डाटा प्रेजेंटेशन में. सो दिस इज द सेकेंड फीचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैरेक्टरिस्टिक. कंपेरेबल, कंपेरेबल कैसे होगा? If you are following the same policies and every time I say that current year data or previous year data dono simultaneously present karna hai to comparison to apne aap ho jata hai when I talk about the balance sheet. Even statement of P&L mein bhi expenses aur revenue ka aap comparison karke do column bana sakte hain. So financial data is dhang se aapne present karna hai, ek saal ka dusre saal ke sath comparison ho aur aapke concern ka aapke competitor ke sath bhi comparison possible ho. So this is the third feature of it. Verifiable. जब मैंने बोला फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है ना, बिल वगैरह आपने साथ में अटैच करे हैं और आपके पास बिल की कॉपी है, आपने कंप्यूटर में भी फीड करके रखा है. सो एनी टाइम व्हेन सीए कम्स टू चेक माय बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ही कैन वेरीफाई द डाटा ना. एंड इन ऑर्डर टू वेरीफाई द डाटा ही मे डिमांड द सोर्स डॉक्यूमेंट्स, ही मे डिमांड द बिल. मींस डाटा में किसी भी तरह की कोई मैनिपुलेशन नहीं होनी चाहिए जिसकी वेरिफिकेशन ही पॉसिबल ना हो. डाटा इस ढंग से आपने बनाना है, कुछ भी छिपाना नहीं है, एंड एवरीथिंग शुड बी वेरीफिएबल. वेरीफिएबल मीन्स उसका प्रूफ हमारे पास हो. अगर मैं बोलती हूँ कि 5 लाख की कॉम्पनसेशन मैंने एक अपने एम्प्लॉई को दी है जिसको इंजरी हो गई थी मेरे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए, तो आप कोर्ट के डिसीजन की कॉपी साथ में दिखाओ ना कि कोर्ट ने बोला था 5 लाख कॉम्पनसेशन देनी है उसकी फैमिली को, दैट इज वेरीफिएबल. आपने 5 लाख कॉम्पनसेशन की एंट्री डाली है लेकिन फैमिली तक सिर्फ 1 लाख ही पहुंचा है, हाउ कम? सो इफ द कोर्ट डिसीजन यू आर शोइंग टू द सीए, देन डेफिनेटली दैट कैन बी वेरीफाइड. सो डाटा अपनी इमेजिनेशन से नहीं शो करना, डाटा शुड बी अनबायस्ड, अपनी सब्जेक्टिविटी को यूज नहीं करना डाटा प्रेजेंटेशन के टाइम पे. यू शुड बी ऑब्जेक्टिव, यू शुड बी अनबायस्ड, आपकी अपनी पर्सनल जजमेंट विल नॉट वर्क हियर. रेलेवेंट, व्हाट इज रेलेवेंट, व्हाट इज रेलेवेंट इफ आई टॉक अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, व्हाट इज रेलेवेंट विद दैट कॉन्टेक्स्ट? एवरीथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू माय बिजनेस, दैट इज रेलेवेंट. If I pass an entry for the expenditure being spent on the marriage of my daughter or of marriage of my son as a business woman, is it relevant for my business transactions? No, that is my personal data, bhai. If I am giving the detail of my saving account and my own FDs which are on my own name, is it relevant for business transactions? No.
So whatever is relevant that you have to show, what is not having any significance means insignificant data, you have to skip. आपको insignificant data को present नहीं करना, right? Timeliness, जब rule ही बन गया है, हर साल आपने financial statement बनानी है और government ने बोला है financial accounting year follow कर रहा है, 31 मार्च तक आपने सारा data compile करना है, CA से उससे पहले उसकी checking करवा लेनी है और 31 मार्च को आपकी website पे data publish हो जाना चाहिए, ठीक है? आप सारा कुछ कर लिया, CA की checking में थोड़ी सी delay हो गई, you are publishing the data on 10th April, is it having any fun? आपने time का target तो follow ही नहीं किया. So data should be presented, financial statement should be presented on time. Whatever is the limit of time given to you, within that prescribed time, you need to present the data. This is what we call last characteristic of our financial statement. That is what timeliness. ठीक है, वो इस टॉपिक को बोलता है essentials of financial statement. मैं बोलती हूँ good qualities of financial statement. एक ही बात है ना, या characteristics of good financial statements. क्योंकि प्लस वन में इस टॉपिक का नाम यही होता था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. ठीक है, उसमें इसने दो तीन पॉइंट ऐड किए हैं, वहां पे चार पॉइंट हम लोग किया करते थे, यहाँ पे छह पॉइंट बना दिए उसने. नाउ अगला टॉपिक भी आपको आता है, बट विद दिस टॉपिक यू विल गेट अ फेमिलियराइजेशन दैट हाउ वी वर डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन इंटरनल पार्टीज एंड एक्सटर्नल पार्टीज. ये किया हुआ है पिछले चैप्टर में, सेकेंड चैप्टर में, लेकिन यहाँ पे कुछ डिटेल्ड वर्जन है. हु आर इंटरनल पार्टीज? Why shareholders are interested in my accounting information? बिल्कुल ठीक है. There is they provided the capital to me. In return, they expect the return from me, means in the form of dividend. So why not they will be interested in the performance of my company? Because their dividend is being dependent upon your performance. Their dividend is being dependent upon your profitability. So in that regard, they are interested in my accounting information. How they are internal users? Because they are the actual owners of the company. Owners are always the internal parties, isn't it? Agar main ek word bolu, prospective investors, will they be internal users? No. Prospective investors are those who are desirous to buy the share. Still, they haven't bought the share. Wo ichha rakhte hain meri company ke share khareedne ki, lekin wo abhi meri company ke shareholders nahi bane. मेरे को कैसे पता चला they are my prospective investors? Because मेरे पास एक list आ जाती है whosoever have assessed my website. ठीक है, तो हमें लगता है कि अगर उन्होंने मेरी वेबसाइट पे कुछ सर्च किया है तो डेफिनेटली उन्होंने डाटा ही सर्च किया होगा. सो दे माइट बी इंटरेस्टेड इन द इन्वेस्टमेंट इन माय कंपनी. गेटिंग इट? सो शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनीज, दैट्स व्हाई दे आर इंटरनल यूजर. मैनेजमेंट, चाहे टॉप मैनेजमेंट है, चाहे लोअर मैनेजमेंट है, चाहे मिडिल मैनेजमेंट है, एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज माई इंटरनल यूजर्स. हाउ कम एंड वाई द मैनेजमेंट इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? कंपैरिजन पर्पस के लिए, अपना स्टेटस जानने के लिए, भाई हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, ताकि फ्यूचर में हम और इम्प्रूवमेंट लेके आए. और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस अगर नहीं करेंगे, अदरवाइज परफेक्शन की कोई एज नहीं होती और कोई लिमिट नहीं होती. नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड. तो मैनेजमेंट अपने आप को परफेक्ट बनाना चाहती है, एंड फॉर इट स्काई इज ऑलवेज अ लिमिट. इन ऑर्डर टू नो इट्स डेफिशिएंसी, इन ऑर्डर टू नो इट्स शॉर्टकमिंग्स, इट इज इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. सो मैनेजमेंट इज ऑल्सो द इंटरनल यूजर. थर्ड, एम्प्लॉइज. अभी तक आप एम्प्लॉइज को क्या समझते थे, इंटरनल की एक्सटर्नल? इंटरनल ही है भाई, दे आर माय वर्कर्स. मशीन मेरे पास करोड़ की है, 10 करोड़ की है, वो मशीन की मशीन वहीं पे पड़ी रहेगी. नो वन इज देयर टू ऑपरेट इट. सो यू कैन वेल इमेजिन टू व्हाट एक्सटेंट माय एम्प्लॉइज आर इंपॉर्टेंट फॉर मी. एम्प्लॉइज है तो मशीन चलती है, एम्प्लॉइज है तो प्रोडक्शन होती है, एम्प्लॉइज है तो सेल होती है, एम्प्लॉइज है तो एडवर्टाइजमेंट होती है, एम्प्लॉइज है तो हम प्रॉफिट अर्न करते हैं. ठीक है, जैसे आप हो तो स्कूल है, आप नहीं थे तो हमें खाली खाली लगता था, है ना? So every person is important to the organization, whosoever is contributing something. So employees, why employees are interested in financial statement analysis? Bonus के लिए भी, salary के लिए भी. ठीक है, अगर concern ही loss में जा रही है तो they will be having a doubt कि हमें इस महीने की salary भी मिलेगी कि नहीं. अगर इस साल का profit पिछले साल के comparison में कम हुआ है तो they will be doubtful उन्हें bonus मिलेगा कि नहीं. ठीक है, लाइक कोविड के टाइम पे अगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बंद थे तो सैलरीज नहीं मिली ना एम्प्लॉइज को, या डिडक्ट होके मिली, फुल सैलरीज नहीं मिली. सो इट इज हैविंग एन इंपैक्ट ऑन द एम्प्लॉइज, एंड एम्प्लॉइज आर द इंटरनल पार्टीज, इंटरनल यूजर्स. नाउ कम टू द एक्सटर्नल यूजर्स, बैंकर्स. हाउ बैंकर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, दे आर इंटरेस्टेड इन माय इंफॉर्मेशन?
बिल्कुल दे आर माई लैंडर्स. बिफोर प्रोवाइडिंग द लोन दे विल असेस माई बैलेंस शीट एंड प्रॉफिटेबिलिटी. इवन वेन माई इंस्टॉलमेंट्स आर गोइंग विद इंटरेस्ट दे विल ऑल्सो बी कीपिंग अ वॉच ओवर माई परफॉर्मेंस. मेरी परफॉर्मेंस के ऊपर वो एक वॉच जरूर रखेंगे, क्या मैं आने वाले टाइम पे उनका इंटरेस्ट वगैरह पे कर पाऊंगी कि नहीं. विच रेशियो दे विल बेसिकली बी कैलकुलेटिंग. अगर मैं रेशियो एनालिसिस की बात करूं, विच रेशियो द बैंक्स विल बी इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट. एक तो डेट इक्विटी, एक आईसीआर. सोचो डेट इक्विटी अगर ऑलरेडी 4:1 है, क्या मतलब है डेट ज्यादा है इक्विटी के कंपैरिजन में, और कोई कर्जा देगा मेरे को. ICR, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, प्रॉफिट कितना ज्यादा है ऑलरेडी फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस से. ठीक है, अगर ऑलरेडी आपका 9 या 10 times चल रहा है तो बैंक को लगता है कि प्रॉफिट ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, मेरा इंटरेस्ट भी कंपनी पे कर लेगी. बैंक विल हैप्पीली प्रोवाइड द लोन टू यू. सो इन दैट रिगार्ड इट इज इंटरेस्टेड इन माई फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन. डन, आगे चलते. और एक्सटर्नल पार्टी है इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल, आई विल नॉट रिपीट दैट, ऑलरेडी आई टोल्ड यू. देन क्रेडिटर्स, हु आर माई क्रेडिटर्स, who sold the goods to me on credit basis, they are my suppliers, so they are interested in my financial information because they want to see whether I will pay back the amount to them or not. meri position kaisi chal rahi hai as a creditor, aap kaun si ratio mein interested honge, credit kaun si ratio mein, as a creditor aap company ke kaun si ratio mein interested honge, kaun si. बिल्कुल ठीक है, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, हायर द रेशियो बेटर इट विल बी, इट शोज योर एफिशिएंसी टू रीपे देयर मनी टू देम. ठीक है, याद है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, नेट क्रेडिट परचेसेस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स. डन. गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज, जब कभी भी गवर्नमेंट को लगेगा कि ये कंपनी मैनिपुलेशन कर रही है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के पास, और गवर्नमेंट के पास हर तरह का राइट है, वो आपकी कंपनी के ऊपर कभी भी रेट डलवा सकती है. ठीक है, और आप गवर्नमेंट को कभी डिनाई नहीं करोगे, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है. यू नीड टू कंप्लाई विद योर प्रोविजंस, यू नीड टू कंप्लाई विद योर ऑर्डर्स, एंड इट इज आल्सो एन आउटसाइडर पार्टी. सेबी, हाउ कम, हर पब्लिक लिमिटेड कंपनी जिसने स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में शेयर्स लॉन्च किए हैं उसको सेबी की गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती है. सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इट इज वर्किंग लाइक अ वॉच डॉग ऑन आवर स्टॉक एक्सचेंज. It is keeping a supervision over all public limited companies. तो इसके provisions को भी आपको follow करना पड़ेगा. ये भी interested होता है public limited company की functioning में. जब कभी भी SEBI को किसी भी company के बारे में doubt है, SEBI उसकी inspection करवा सकता है, SEBI उसकी supervision कर सकता है, SEBI उससे books of accounts क्या कर सकता है, demand कर सकता है. So it is also an external party. Researcher भी आ सकते हैं, वो लिखे नहीं है इसने. Researchers are also your external parties, right? As every coin has two sides, same is with what my financial statements. If it has certain benefits, it has certain points of significance, it is suffering with certain limitations as well. Which type of limitations do you find with regard to financial statements? Yes, anyone? Qualitative data is ignored pehle to, because we only record quantitative data, which is measurable in monetary terms. Dedication of my employees, sincerity of my employees, their regularity is having a great impact on the success of my organization, but we always ignore it. Human resources ko hum weightage hi nahi dete, though they are very very important. Humans ke bina kuch bhi nahi hai, theek hai, lekin aaj bhi zamana purana hi chal raha hai. HRA, human resource accounting, develop ho chuki hai, but still it is in its infancy, means still it is in its primary stage. Abhi bhi कंपनीज ने एक्नॉलेज नहीं किया कि ह्यूमन रिसोर्सेज को भी एसेट में दिखाना. ठीक, सो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट इज इग्नोर्ड. हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, व्हाट हैज बीन डन, दैट इज ओनली टू बी एनालाइज्ड हियर. इज इट अ राइट पॉलिसी, जो बीत चुका है उसे तो मैं चेंज कर ही नहीं सकती, तो व्हाई नॉट टू फोकस ऑन फ्यूचर. लेकिन फ्यूचर के लिए कुछ भी सोचने से पहले हमें पास्ट के डाटा को एनालाइज करना होता है, ये सिग्निफिकेंस भी और लिमिटेशन भी. सो इट ऑलवेज कीप अ रिकॉर्ड ऑफ और keep a check over the record of historical data, what has been gone. Actually, it becomes a limitation of it. Affected by estimates. मैं वैसे बोलती हूँ डाटा की कलेक्शन में हमेशा क्या होना चाहिए, यू नीड टू बी अनबायस्ड. आपको अपनी पर्सनल जजमेंट को यूज नहीं करना, जो एक्चुअल है आपको वही लिखना और वही एनालाइज करना है. इसने जो लिखा है जरा देखो,
ओके पहले मैं एक एग्जांपल बताती हूँ. स्टॉक वैल्यूएशन के बहुत सारे मेथड्स हैं, डेप्रिसिएशन के बहुत सारे मेथड्स हैं, तो कहीं पे भी कंपनी सेक्ट में नहीं लिखा कि आपको यही मेथड फॉलो करना. सो एवरी कंपनीज मैनेजर और अकाउंटेंट चूज द मेथड्स एज पर देयर ओन कन्वीनियंस, एज पर देयर ओन सब्जेक्टिविटी. इन दैट वे इट इज इफेक्टेड बाय देयर सब्जेक्टिविटी. उनकी पर्सनल जजमेंट बीच में क्या हो जाती है, इंट्रोड्यूस हो जाती है, क्योंकि हमारे कंपनी सेक्ट में कहीं पे भी कोई रूल नहीं बनाया गया दैट यू नीड टू स्ट्रिक्ट टू दिस पर्टिकुलर मेथड ओनली. इन दैट वे इट इज अ लिमिटेशन. डिफरेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, जैसे डेप्रिसिएशन के आप एस्टिमेट लगा लेते हो, इफेक्टेड बाय एस्टिमेट है, कितना डेप्रिसिएशन लगाऊं, कोई कंपनी 10% लगाएगी, कोई 20 लगाएगी, बिकॉज देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल. ठीक है, कितना मैं प्रोविजन बनाऊं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. कितना मैं जनरल रिजर्व में रखूं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. सो इट इज इफेक्टेड बाय एस्टिमेट्स. देन थर्ड वी हैव डिफरेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस. कोई फीफो मेथड से स्टॉक की वैल्यूएशन करेगा, कोई लीफो मेथड से करेगा, कोई स्ट्रेट लाइन मेथड के डेप्रिसिएशन लगाएगा, कोई रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेगा. अगेन देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, अगेन देयर इज नो चेक ओवर इट, यू कैन यूज एनी प्रैक्टिस. सो इट इज ऑल्सो लिमिटेशन. क्वालिटेटिव डाटा ऑलरेडी हो गया. Price level changes are ignored. How come? Because we follow cost concept. So whatever we spend to buy a particular asset, we record that asset on that. Daily the prices get changed, but we never erase the value of our asset. We never change the value of our asset daily because we always follow the cost concept in our accounting, which is again not true, which is not again fair. Cannot meet the purposes of all the parties. सबको खुश रखना वैसे भी आसान काम नहीं है, तो आप सारी पार्टीज के इंटरेस्ट को माइंड में नहीं रखते हो. आमतौर पे आप शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हो डाटा, या बैंकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डाटा बनाते हो, या मैनेजमेंट अपने पर्पस के लिए डाटा की प्रेजेंटेशन करती है. सो वी कांट मेक एवरीवन हैप्पी, वी नेवर प्रेजेंट द डाटा फ्रॉम एवरीबॉडीज पॉइंट ऑफ व्यू. सो दिस इज ऑल्सो द लिमिटेशन. सो हियर वी एंड्स अप आवर सिलेबस. नहीं,